गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ भारती ठाकुर. वेलकम टू लाइव सेशन ऑफ कनिकाज नर्सिंग अकेडमी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज जो आपके लिए लॉन्च करी है, टारगेट करी है एम्स नॉर्सेट के लिए, ठीक है, 2023 के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 60 तक आपके शाम को डिस्कस हो गए थे और 61 से आज हम अभी मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे. गुड मॉर्निंग सीमा, सुखप्रीत, हेमंत, सोनिया, दीक्षा. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सेलाइन. ठीक है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो हम नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन होता है हमारा, उसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड है उसके उसमें हम कितना जो है वो डलता है. ठीक है, सोडियम क्लोराइड का अमाउंट कितना होता है हमारे नॉर्मल सेलाइन के बॉटल के अंदर. ठीक है, और कितने वाली 1 लीटर को 1 लीटर अगर आपने नॉर्मल सेलाइन बनाना है तो उसमें आपको कितना NaCl डालना पड़ेगा, दैट मीन्स की. ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन में है आपके पास 900 ग्राम्स, 0.9 ग्राम या 9 ग्राम्स या फिर 9.0 mg. स्टूडेंट्स आंसर करेंगे फटाफट. क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन. 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन, फटाफट आंसर करेंगे स्टूडेंट्स. देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा बच्चे नॉर्मल सलाइन होता है वो कैसा फ्लूड होता है, आइसोटोनिक. नॉर्मल सलाइन जो होता है वो होता है हमारा आइसोटोनिक फ्लूड. और अगर हम आइसोटोनिक फ्लूड की बात करें, जो हमारी ब्लड ऑस्मोलैरिटी होती है उतनी ही ऑस्मोलैरिटी होती है किसकी, NS सॉल्यूशन की. दैट मीन्स कि आपके 245 से लेके हमारा 375 तक जो होती है वो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है, मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है स्टूडेंट्स वो होती है 245 से लेके 375. और हम बात NS की करेंगे तो ये इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 308 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. ठीक है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है आपका. हमारा जो नॉर्मल सलाइन की ऑस्मोलैरिटी होती है, दैट मीन्स कि ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, अब जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं. सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब है कि जो हमारे NaCl, जैसे आप अगर एक पानी के गिलास में क्या डाल दो, नमक डालोगे, तो जो नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वो हैं आपके सॉल्यूट. ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने एक्टिव सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स मेनली तो 308 क्या होती है इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है किसकी, नॉर्मल सेलाइन की. और नॉर्मल हमारे आइसोटोनिक फ्लूड की ऑस्मोलैरिटी होती है बच्चे इन बिटवीन 245 से लेके 375 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के बीच में. ठीक है, और इसको भी अगर हम और डिविजन करें कि NS के अंदर जो है हमारा क्या होता है मेनली NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड. और सोडियम क्लोराइड को भी अगर हम इसको भी तोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो 308 का अगर आप हाफ कर दोगे तो उतनी सोडियम की है और क्लोराइड की होगी वो हाफ होगी. तो ये अगर आप 308 का हाफ कर दोगे तो 154 और दूसरे का भी 154, तो 154 मिली ऑस्मोस पर लीटर किसकी होती है, सोडियम की. और क्लोराइड की कितनी होती है, 154 ही होती है. ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, और यहाँ पे जो है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे 1 लीटर नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए कितना NaCl डालना पड़ेगा. वेरी गुड स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पे जो है मेन आपका जो आंसर रहेगा सी रहेगा. कुछ बच्चों ने 0.9 की तरफ को भी गए हैं, हेमंत शर्मा बच्चे, आपका 0.9 नहीं होगा ये. ठीक है, 0.9 जो होता है वो तो हमारा क्या जो 500 ml होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो भी हम बोलते हैं 0.9% बोलते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें 9 ग्राम की बात करें तो इसके अंदर जो हम क्या करते हैं, जब भी हम नॉर्मल सलाइन प्रिपेयर करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और 1 लीटर मेंशन किया है स्टूडेंट्स आपका, 1 लीटर के अंदर 9 ग्राम डलता है. ठीक है, और जो NS होता है सॉल्यूशन उसमें कितना परसेंट जो होता है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, 0.9% होता है, वो ग्राम नहीं होता है स्टूडेंट्स, 0.9% होता है. ठीक है, और वो कैसा सॉल्यूशन है आपका, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, और आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ना ही सेल श्रिंकेज करवाते हैं ना ही सेल की स्वेलिंग करवाते हैं. तो जैसे इसकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है वैसे ही ऑस्मोलैरिटी जो है इन सॉल्यूशन की होती है. तो ये जो वाटर की जो शिफ्टिंग है, ये जो आपकी फ्लूड की जो शिफ्टिंग है वो ना ही सेल के अंदर करते हैं ना ही सेल के फ्लूड को बाहर निकालते हैं. ठीक है, तो अपनी अपनी इनकी क्या रहता है, फ्लूड अपने अपने एरियाज में रहता है, सेल्स के अंदर वाला भी और ब्लड के अंदर वाला भी. ठीक है, ये कहीं से भी मूव नहीं करवाता है.
लेकिन आपने सुना होगा स्टूडेंट्स आपके जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उनकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, जो हमने नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी पढ़ी 245 से 375 तक, तो इनकी ऑस्मोलैरिटी होती है हाइपरटोनिक वालों की मोर देन 375। तो उसकी केस में जो है, जैसे आपका मेनिटोल हो गया, ठीक है, या आप फिर आपका जो है अगर हम 3% NS आता है वो भी आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाता है। तो जिनकी भी आपकी 0.9, अब आपको तो 0.9% जो है आपका NS जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, क्लोराइड प्रेजेंट है NS के अंदर, तो ये क्या था, आइसोटोनिक। तो इससे ज्यादा जितने भी फ्लूड की ऑस्मोलैरिटी होगी, जैसे जितने भी ज्यादा, अब जैसे 3% NS आता है वो हमारा क्या आता है हाइपरटोनिक में, मैनिटोल जो होगा वो भी आपका हाइपरटोनिक में जाएगा, ठीक है सॉल्यूशंस। उसके अलावा कुछ होते हैं हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो हमारे कैसे होते हैं, जिनकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है एज कंपेयर 245 से कम। अब यहाँ पे जो है 0.9% से छोटे वाला कौन सा NS होता लेता है हम लोग, 0.45%, ठीक है, 0.4% हो गया, 0.33% हो गया हमारा, ये भी आपके किस में आते हैं, ये आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं स्टूडेंट, सेल्स के अंदर फ्लूड को शिफ्ट करते हैं, मतलब ब्लड से जो प्लाज्मा होता है वो किसकी तरफ को शिफ्ट होता है, सेल के अंदर अगर हमने शिफ्ट करवाना है फ्लूड तो आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। अगर आपको सेल्स के अंदर से जो फ्लूड है वो निकालना है और ब्लड में लेके आना है तो आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करवाते हैं, सेल की श्रिंकेज करवाते हैं, सेल का फ्लूड ब्लड में लेके आते हैं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक, हाइपो एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि आइसोटोनिक होते हैं जहाँ पे सेल के अंदर के, जैसे क्या होता है फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर आपको पता है सेल्स भी हैं, प्लाज्मा भी है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे एक तरफ क्या है हमारे सेल्स हैं। तो अगर आपने कौन सा सॉल्यूशन दिया, अब सॉल्यूशन हम ब्लड के अंदर ही देते हैं ना, तो अगर आप सॉल्यूशन देते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं आपके NS हो गया 0.9% वाला, RL सॉल्यूशन आपका किस में आता है, आपका आइसोटोनिक में आता है, ठीक है। तो अब जो है वो कोई भी चीज है वो कहां पे जाएगी, ब्लड में जाएगी। अब यहां से जो है ब्लड से जो है भाई यहां पे प्लाज्मा की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, सेल का फ्लूड अपने में रहेगा और ब्लड का फ्लूड अपने में रहेगा, नो शिफ्टिंग, ठीक है, वो होते हैं आपके आइसोटोनिक फ्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे आपके किस केसेस में हम आइसोटोनिक NS और RL का यूज करते हैं, RL आपका बर्न वाले पेशेंट्स में यूज करते हैं मेनली, डायरिया में यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है अगर आपने उनको ब्लड में दिया तो क्या होगा, वो सेल यहां से प्लाज्मा को किस में भेजते हैं, सेल्स के अंदर भेजते हैं, तो सेल के अंदर को जो है वो एक तरह से शिफ्टिंग करवाते हैं फ्लूड की, ठीक है। तो यहां पे जो है सेल्स की क्या हो जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएगी। अगर सेल मान लो श्रिंक हुए पड़े थे पहले से और आपको कौन सा फ्लूड देना पड़ेगा अब सेल को स्वेल करवाने के लिए, सो दैट फ्लूड जो है आपका वॉल्यूम जो है वो प्लाज्मा से किसकी तरफ को जाए, सेल के अंदर, तो आपको हाइपोटोनिक देने पड़ेंगे। जिनकी ऑस्मोलैरिटी आपकी किससे कम होती है, 245 से कम होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिनकी ऑस्मोलैरिटी आपकी 375 से ज्यादा होगी और ये सेल के अंदर जो फ्लूड ज्यादा हो गया होगा उसको किस में लेके आएंगे, वापस ब्लड के अंदर लेके आते हैं, तो ये सेल को श्रिंक करवाने का काम करते हैं कौन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये है इसमें बेसिक एग्जांपल, ठीक है, बेसिक से। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजुअल एक्विटी मे बी असेस्ड बाय यूजिंग अ स्नेल चार्ट इफ अ पेशेंट हैज एक्विटी ऑफ 6/12 इन बोथ आईज, इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स ऑप्शन ए है द पेशेंट हैज लेस देन नॉर्मल विजन, सेकेंड है आपका द पेशेंट कैन सी ट्वाइस एज वेल एज नॉर्मल, द पेशेंट हैज डबल विजन या द पेशेंट हैज नॉर्मल विजन। स्टूडेंट्स अगर किसी का विजुअल एक्विटी है अगर 6/12 आता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब हम आई साइट करवाने जाते हैं चेक, या आपने देखा होगा आप क्लिनिक्स वगैरह में जाते हैं अपना आई चेकअप करवाते हैं तो वहां पे लिखते हैं 6/6 और 20/20, ऐसा कुछ लिखते हैं 6/6 एंड 20/6। तो 6/6 का मतलब होता है बच्चे ये मीटर में लेते हैं,
ठीक है, मीटर में, और ये होता है आपका 20 बाय 20 आपका फीट के अंदर चलता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि अगर किसी का विजन जो है वो नॉर्मल, देखो कितना होता है 6/6 एंड 20 बाय 20, कितना यहाँ पे 6/12 है बोथ हाइज का, तो क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स, क्या इंडिकेट करेगा, आंसर करेंगे आप लोग? गुड मॉर्निंग सोनम, क्या इंडिकेट करता है जी आपका 6/12 आता है? देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आपका, अगर हमेशा आपको याद रखना है कि अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी है, पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो ऊपर वाला 6 लिखा है ये क्या इंडिकेट करता है, और ये जो नीचे वाला होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 12 लिखा है, तो ये क्या है, किसकी रीडिंग है? तो स्टूडेंट्स पहले आपको ध्यान रखना है, जो हमारी अब ऊपर वाली जो रीडिंग होती है वो किसकी रीडिंग होती है, वो होती है हमारी पेशेंट की रीडिंग, पेशेंट की रीडिंग, ठीक है। और जो नीचे वाली रीडिंग होती है वो होती है एक नॉर्मल पर्सन की रीडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन है, अब 6/6 हमने क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मल रीडिंग होती है, चाहे कोई भी पर्सन चेकअप के लिए जा रहा है, वो आपका क्या, अब विजुअल एक्विटी हम जो स्नेल चार्ट के थ्रू चेक करते हैं, स्नेल चार्ट आपने सबने देखे होंगे, जब उसमें रीडिंग्स लिखी होती है, एक बॉक्स सा बना होता है, और जो टेक्नीशियन है वो हमें बिठाते हैं और हमें बोलते हैं कि इसको रीड करो, ए बी सी जो है, पहले अक्षर बड़े बड़े में लिखे होते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे की तरफ को लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है होगा क्या, जैसे ही अगर आप पेशेंट को, जैसे पेशेंट को बिठाते हैं स्नेल चार्ट के सामने, तो वो जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द चार्ट से लेके आपका जहाँ पेशेंट तक, तो उसको होता है मुझे वो होना चाहिए आपका 6 मीटर में, और फीट में होना चाहिए 20 फीट में, ठीक है। तो अगर जो है कोई भी पर्सन जो चेकअप के लिए आया है, उसकी वैल्यू, मतलब वो पेशेंट है तो वो उसके वैल्यू अपॉन एक जो नॉर्मल पर्सन है उतने दूरी से देख सकता है, ठीक है। एक पेशेंट है, अगर वो आ रहा है चेकअप के लिए, तो उसकी रीडिंग अपॉन एक नॉर्मल जो पर्सन की रीडिंग होती है, उसकी रीडिंग से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। अब 6/12 का मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो आपका 6 मीटर की दूरी से भी वो चीज नहीं देख पा रहा है जो एक नॉर्मल पर्सन आपका 12 जो है मीटर की दूरी से देख पा रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि आपका 6 मीटर वाला जो पेशेंट की रीडिंग है स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली, तो मतलब एक पर्सन जो चेकअप के लिए आया है उसके वो 6 मीटर की दूरी से भी वो चीज नहीं देख पा रहा है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो है वो आपका 12 मीटर की दूरी से भी देख पा रहा है, वो दूर से भी देख पा रहा है, बट एक जो आया है चेकअप के लिए वो 6 मीटर की दूरी से भी नहीं देख पा रहा है। तो दैट मीन्स कि ये क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट का जो विजन है वो क्या है, लेस देन द नॉर्मल विजन है, क्योंकि नॉर्मल विजन कहता है कि जो पेशेंट की रीडिंग है वो ऊपर जाएगी और नीचे होती है आपकी नॉर्मल रीडिंग। तो 6/6 इज द नॉर्मल कहलाएगी आपकी, 20 बाय 20 फीट में लेते हैं, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, चार्ट के साथ, तो ये आपकी नॉर्मल रीडिंग्स हैं। तो 6/12 का मतलब ये है कि जो पेशेंट आया है चेकअप के लिए वो 6 मीटर की दूरी से भी वो चीज नहीं देख पा रहा है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 12 मीटर की दूरी से वो चीज देख पाता है, ठीक है। तो यहां पे दैट मीन्स कि क्या होगा आपका, समझे होंगे, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक होता है आपका लीगल ब्लाइंडनेस। लीगल ब्लाइंडनेस हम कब कंसीडर करते हैं, तो आपको बच्चे ध्यान रखना, पेशेंट अपॉन नॉर्मल, पेशेंट अपॉन नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पे जो है 20 बाय कितना होता है लीगल ब्लाइंडनेस हम कंसीडर करते हैं, 20/200 करते हैं कंसीडर, 20/200। दैट मीन्स कि एक जो पेशेंट आया है चेकअप के लिए उसको अब लीगल ब्लाइंडनेस हमने कंसीडर करना है, वो आपके जब 20 फीट की दूरी से भी वो चीज नहीं देख पा रहा है, और हम नॉर्मल पर्सन जो है 200 फीट की दूरी से भी वो चीज देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लीगल ब्लाइंडनेस कब इंडिकेट करते हैं, क्योंकि पेशेंट की रीडिंग हमेशा ऊपर वाली होगी, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज, मुझे कंफर्म करेंगे, मुझे क्लियर हो गया आप लोगों को, ये समझ आया? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, दैट मीन्स उस पेशेंट की क्या है रीडिंग, लेस देन द नॉर्मल विजन होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो विजुअल एक्यूटी हम चेक करते हैं, तो इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है, आपने देखो लाइट जली होती है उस बॉक्स के अंदर, है ना, स्नेलन चार्ट बोलते हैं, ये हम करते हैं एजुकेटेड पर्सन के लिए। लेकिन अगर अनएजुकेटेड पर्सन है तो उसको स्नेलन चार्ट ना बोल के हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेंडॉट चार्ट बोलते हैं, अगर अनएजुकेटेड पर्सन है। अब उसमें एबीसी तो वो पढ़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए स्पेशली क्या बने होते हैं बच्चे, ऐसे डायग्राम्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे जैसे आपका ऐसे
कैसे बने होते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताओ कि किस तरफ को इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है। तो लैंड डॉट चार्ट अनएजुकेटेड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है आई लेवल से कितने दूरी, मैंने बोला बच्चे फीट में रहेगा, 20 मीटर्स में बोलेंगे तो 6 मीटर्स फ्रॉम द पेशेंट से जो है वो डिस्टेंस रखते हैं। तो डिस्टेंस विजन को ही हम चेक करते हैं थ्रू द आपके स्नेल चार्ट के। और विजुअल एक्यूटी 6/12 का मतलब क्या है कि जो पर्सन आया हुआ है वो 6 मीटर की दूरी से भी नहीं वो चीज देख पा रहा है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो है वही सेम ऑब्जेक्ट आपके 12 मीटर के डिस्टेंस से देख पा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स इस पर्सन का जो है आपका नॉर्मल विजन से डिक्रीज है, कम है विजन, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कंफर्म करेंगे स्टूडेंट्स, थम्स अप कर देंगे, यस कर देंगे, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई पर्सन जिसको ना क्लियर होगा तो आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव होएंगे हम। क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस, कौन से टाइप का बर्न जो है वो आपका पेनलेस होगा। तो ऑप्शन ए है आपका थर्ड डिग्री बर्न, सेकंड है आपका सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड ऑप्शन में है फर्स्ट डिग्री बर्न, या फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबव। कौन सा बर्न जो है आपका पेनलेस कहलाता है। विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री, कौन सा टाइप का बर्न जो होता है आपका पेनलेस होता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड शिवानी कपूर ए, सुखप्रीत ए ऑप्शन, गुरप्रीत ए, बराड ए, ओके, सुखप्रीत थर्ड, कौर परनीत थर्ड डिग्री। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका पेनलेस होता है बच्चे वो कौन सा होता है, थर्ड डिग्री वाला होता है, ठीक है। थर्ड डिग्री वाला जो बर्न होता है वो आपका पेनलेस होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं इमेज से, ठीक है। ये देखेंगे आप लोग, जो हमारा स्किन बर्न होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री टाइप का बर्न, ठीक है। फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल बर्न भी बोलते हैं, जिसमें आपकी सिर्फ कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है, जो आपकी स्किन की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस की खुद की अपने बच्चे 5 लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद जो आती है नेक्स्ट हमारी कौन सी लेयर आती है जी, डर्मा आती है। डर्मा को हम ट्रू स्किन बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें हैं, चाहे स्वेट ग्लैंड है, चाहे सेबेशियस ग्लैंड है, चाहे आपके जो मसल्स हैं जो कि आपके जिसको हम इरेक्टर पिल्लाई मसल बोलते हैं, वो भी आपके मोस्ट ऑफ द चीजें नर्व एंडिंग्स जो है वो आपकी कहां पे है, डर्मिस वाली लेयर पे है, तो उसको ट्रू स्किन के नाम से भी हम जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका कौन सी लेयर आएगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू हम इनको बोलते हैं या हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो डर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस, डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस, ठीक है। तो फैट्स के बाद नीचे क्या आते हैं, फिर मसल्स आते हैं, ठीक है। तो ये मेन 3 लेयर होती हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड टाइप, अब फर्स्ट डिग्री टाइप में बर्न में बोला कि जो एपिडर्मिस ही सिर्फ इन्वॉल्व होगी, और इसमें जो है सिर्फ क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि रेडनेस देखने को मिलती है, जैसे लाइक आपका सन बर्न एग्जांपल, फर्स्ट टाइप का बर्न अगर का आपको एग्जांपल पूछा जाता है तो उसमें आता है आपका सन बर्न देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलती है, सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी। जैसे ही आप कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो वो चीज ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है। सेकंड आता है आपका सेकंड डिग्री टाइप का बर्न, और सेकंड डिग्री बर्न में देखो आपको स्पेशली यहां पर दिख रहा होगा इमेज में, जो ब्लिस्टर की फॉर्मेशन होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट आता है कि कौन से टाइप के बर्न में ब्लिस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो ब्लिस्टर की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है आपके बच्चे सेकंड डिग्री टाइप ऑफ द बर्न के अंदर देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न भी हम बोलते हैं। एक्चुअल में सेकंड डिग्री आपका 2 टाइप का बर्न होता है वैसे, एक होता है आपका सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, एक होता है आपका डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होता है, या फुल थिकनेस बर्न बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्योंकि डर्मिस की जो भी लेयर होती है वो होती है 2 लेयर होती है, टॉप वाली लेयर होती है आपकी पेपिलरी लेयर, और नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिकुलर लेयर, रेटिकुलर लेयर। और अगर एक और क्वेश्चन पॉइंट यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो आपकी पेपिलरी लेयर होती है डर्मिस लेयर की, वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है फिंगरप्रिंटिंग के लिए। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, कौन सी लेयर आपकी फिंगरप्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पेपिलरी लेयर, जो कि आपकी एपिडर्मिस में जो है एपिडर्मल रिजेस बनाती है। आपने देखा होगा वो आपके फिंगर्स में ऊपर सर्कल सर्कल से बने होते हैं, एपिडर्मल रिजेस कहलाते हैं, जो कि उठे होते हैं कौन सी लेयर से, डर्मिस वाली लेयर से, पेपिलरी लेयर से, पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस। अब ये जो यहां पे आपका जो सेकंड डिग्री टाइप का बर्न होता है, दो मैंने बोला ये 2 टाइप का रहेगा, एक हम बोलते हैं सुपर
सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और एक होगा आपका फुल थिकनेस पार्शियल बर्न बोल सकते हैं, फुल थिकनेस बर्न बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले वाले में जो है पार्शियल सुपरफिशियल थिकनेस बर्न में क्या होती है, सिर्फ आपके पेपिलरी लेयर इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो आपका फिर फुल थिकनेस जो बर्न होता है उसमें आपकी क्या देखने को मिलती है, उसमें जो है आपकी सेकेंड लेयर जो होती है डर्मिस की वो भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फिर आपका जो डर्मिस तीसरे टाइप का जो बर्न होता है, या आप उसको फोर्थ डिग्री भी बोल सकते हो, अगर सेकेंड के वैसे दो पार्ट होते हैं, मतलब डिविजन्स होते हैं, तो हम नॉर्मली फोर टाइप ऑफ डिग्री बर्न को डिग्री बर्न भी पढ़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कुछ बुक्स में जो है ये तीन डिग्री ही मेंशन किए होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट में आपका एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई, सेकंड डिग्री में आपका जो है डर्मिस इन्वॉल्व हो जाएगी एपिडर्मिस के साथ, और यहाँ पे ब्लिस्टर की फॉर्मेशन होती है और पेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन और फर्स्ट डिग्री में भी आपके बच्चे पेन प्रेजेंट होती है, पेशेंट को पेन फील होता है, लेकिन आपका जो थर्ड डिग्री टाइप ऑफ बर्न होता है जिसमें आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गए, मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बोन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, और ये जो स्कार होगा, नॉट स्कार बट ये जो एरिया होगा, वूंड होगा, वो कैसा देखने को मिलता है, नेक्रोसिस देखने को मिलेगी वहां पे। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, या उस एरिया को फिर हम बोलते हैं स्कार फॉर्मेशन। स्कार होता है जब डेड टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक हो जाएगा वो एरिया। और थर्ड डिग्री टाइप का बर्न होता है क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि डर्मिस में बच्चे नर्व एंडिंग्स वगैरह होती हैं, और आपका जो है वो भी इंजरी होगी पूरी की पूरी, और साथ के साथ आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गए, साथ के साथ मसल, तो यहां पे जो नर्व एंडिंग्स है मुझे वो भी क्या होगी, डैमेज होगी, तो इसलिए जो है पेन सेंसेशन जाएगी ही नहीं ब्रेन को। तो थर्ड डिग्री टाइप का जो बर्न होता है वो आपका पेनलेस होता है, और मोस्ट पेनफुल अगर आपको पूछा जाएगा, और मोस्ट पेनफुल के साथ ब्लिस्टर फॉर्मेशन ध्यान रखना, मुझे सेकंड डिग्री टाइप ऑफ बर्न में देखने को मिलता है, मोस्ट पेनफुल एंड मोस्ट ब्लिस्टर किसमें बनते हैं, सेकंड टाइप के में, सेकंड टाइप में इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे। तो हेयर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। थर्ड डिग्री टाइप का बर्न जो होता है आपका मोस्ट कैसे देखने को मिलता है, यहाँ पे पेन लेस होगा और मोस्ट पेनफुल होता है सेकेंड टाइप का, ठीक है, और ब्लिस्टर भी वहीं पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट की तरफ को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्ट्रिप शोज एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रेट्स ऑफ 80 कॉम्प्लेक्सेस पर मिनट, द पीआर इंटरवल इज 0.14 सेकेंड एंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मेजर 0.08 सेकेंड, द नर्स इंटरप्रेट्स दिस रिदम, क्या बोलेंगे हम इसको। मुझे क्लाइंट का जो है ईसीजी स्ट्रिप के अंदर जो है एट्रियल और वेंट्रिकुलर क्या देखने को मिल रहा है, रेट जो है कितना है 80 है पर मिनट के हिसाब से, और पीआर इंटरवल जो होता है आपका वो कितने को देखने को मिल रहा है 0.14 सेकेंड एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है आपका 0.08 सेकेंड। तो ये होती है आपकी पी वेव, दैट इज योर जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है, फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन ईसीजी, वो होती है आपकी क्यू वेव। क्यू वेव से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, जब आप क्या करते हैं, जब पेशेंट का बच्चों कभी भी IMI का अटैक होता है, तो ऐसी कौन सी वेव होगी जो हमेशा एबनॉर्मल ही देखने को मिलेगी और उससे पुराने अटैक का पता लग जाता है, तो वो होती है आपकी क्यू वेव, ठीक है, क्यू वेव होती है वो आपकी। आर के बाद आएगी आपकी एस वेव, देन आती है आपकी टी वेव, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आपका बच्चे ST सेगमेंट जो होता है आपका, उसकी क्या देखने को मिलती है, यूजुअली एलिवेशन देखने को मिलती है। अब यहां पे हमसे पूछा गया है कि जो PR इंटरवल है जी कितना है 0.14 सेकंड, तो PR इंटरवल होता है जहां से पी वेव शुरू होती है और आर वेव तक जो है आपका, ये कहलाएगा आपका PR इंटरवल। तो नॉर्मल जो PR इंटरवल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका 0.12 से लेके 0.20 तक होता है, ठीक है। PR कितना होगा आपका 0.12 से लेके 0.20 सेकंड का होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है जी, QRS कॉम्प्लेक्स, QRS जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.04 से लेके आपका 0.06 तक होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। कुछ बुक्स में जो हल्की फुल्की वेरिएशन होगी 0.08 भी कंसिडर कर सकते हो आप, ठीक है, या इसको 0.10 तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका 0.10 भी आप ले सकते हो QRS कॉम्प्लेक्स का टाइम इंटरवल की बात हो रही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका, एक आता है बच्चा आपका QT इंटरवल आता है, Q से लेके T का इंटरवल जो होता है। तो QT इंटरवल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में बच्चे QT इंटरवल PR इंटरवल के नॉर्मल टाइमिंग पूछी जाती है, क्योंकि ये पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है। QT इंटरवल होता है आपका 0.30 से लेके 0.40 सेकंड का होता है जी, 0.30 से लेके 0.40 सेकंड, या आप कुछ बुक्स में 0.32 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0.30 से बोल सकते हो आप, या 32 हल्की फुल्की वेरिएशन मिलेगी।
0.40 सेकंड का होता है आपका कौन सा इंटरवल, क्यू टी इंटरवल, ठीक है। उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम बात करेंगे, और अगर पी वेव की बात करें तो उसका जो टाइमिंग होती है वो होती है 0.04 से लेके 0.10 तक होता है ये भी, ठीक है। और क्यू आर एस भी आपका सेम रहेगा, इंटरवल 0.04 से लेकर 0.06 तक आप बोल सकते हो, 0.8 तक भी ले सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 80 कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं पर मिनट के हिसाब से, और पी आर इंटरवल है आपका 0.14 सेकंड का, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है 0.08 सेकंड का। नर्स क्या इंटरप्रेट करेगी बच्चे इस रिदम को, क्या है ये? अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके नॉर्मल साइनस रिदम, नॉर्मल वर्ड जो है और साइनस का वर्ड होता है, दैट मीन्स कि जो वेव है आपकी जो इम्पल्स जनरेट हुई है साइनस का मतलब साइनस नोड से ही जनरेट हुई है, साइनो एट्रल जो नोड होती है जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं, ठीक है, तो वहीं से जनरेट हुई है, तो ये नॉर्मल रिदम होती है, एक नॉर्मल साइनस रिदम को बोलते हैं हम, जो नॉर्मल रिदम दिखाई देती है वो पी क्यू आर एस वेव जो है उसका टाइम इंटरवल भी नॉर्मल है। एक होता है साइनस ब्रैडिकार्डिया कि वहां पर रिदम तो नॉर्मल है, पल्स आपकी प्रॉपर चल रही है रिदम के साथ, लेकिन क्या है यहाँ पे ब्रैडिकार्डिया है, ब्रैडिकार्डिया का मतलब होता है कि जो नॉर्मल हमारा हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, हम लेते चलते हैं 60 to 100 तक एक रेंज में लेते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 72 बोलते हैं, तो ब्रैडिकार्डिया का मतलब है कि लेस देन जो है आपका किस कितने बीट से नीचे, 60 से, और टैकीकार्डिया हम किसको बोलते हैं, मोर देन 100, मोर देन आपका 100 बीट से ऊपर हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। और साइनस वर्ड लग गया तो दैट मीन्स उसका मतलब होता है नॉर्मल रिदम, नॉर्मल है रिदम आपका नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जो रेट है वो क्या हो गया है, डिक्रीज, उसको बोलते हैं साइनस ब्रैडिकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया, जिसमें क्या होगा रिदम नॉर्मल लेकिन आपका रेट क्या होगा वो मोर देन 100। साइनस डिसरिदमिया का मतलब होता है कि आपका जो है यहाँ पे साइनस का कि डिसरिदमिया, कि आपका डिसरिदमिया का मतलब क्या होता है, एक तरह से एबनॉर्मल क्या है वहां पे रेट जो है रिदम जो है वो क्या है एबनॉर्मल है, लेकिन साइनस वर्ड लग जाता है तो ऐसे टाइप का डिसरिदमिया जिसमें जो है आपका वो नॉर्मल क्या देखने को मिल रहा है, एक तरह से रिदम देखने को मिल रही है, तो डिसरिदमिया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिसरिदमिया वर्ड लगा हुआ है तो एबनॉर्मैलिटी को शोज करता है, लेकिन साइनस वर्ड लग गया तो फिर नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखो कि अब पीआर इंटरवल भी आपके नॉर्मल रेंज के बीच में है, क्यूआरएस भी आपका नॉर्मल रेंज में है, तो कौन सी रिदम कहलाएगी ये? हाँ जी, नॉर्मल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड, जो आपका पी वेव से लेके क्यू आर एस टी तक जो है आपका वेव होती है स्टूडेंट्स, वो उसका जो पूरे का पूरा टाइमिंग होता है वो होता है 0.8 सेकंड, जो कि एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नॉर्मल रेंज में है तो नॉर्मल साइनस रिदम कहलाएगी, क्योंकि 80 कॉम्प्लेक्सेस बचे 60 to 100 हमारा नॉर्मल रहता है, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, जैसे साइनस रिदम का मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल। क्वेश्चन पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट इज द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टू ऑब्टेन द बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन B12। नर्स जो है बच्चे इंस्ट्रक्ट करिए क्लाइंट को क्या चीज ईट करने को, जिसमें आपको आपको मैक्सिमम जो है उस पेशेंट को क्या मिले, मैक्सिमम विटामिन B12 मिले। तो बच्चे हाईएस्ट पॉइंट आपका क्वेश्चन पॉइंट ये है कि विटामिन B12 कौन से आपके इनमें से जो ऑप्शन में लिखे हुए हैं प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, क्या होल ग्रेन में प्रेजेंट होता है, क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, क्या मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में, या ब्रोकली एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट में प्रेजेंट होता है, किस में आपका हाइएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन B12 होगा, विटामिन B12 होगा, फटाफट आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। फटाफट आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, बी सी देखेंगे स्टूडेंट। विटामिन B12 का जो अनदर नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है।
और अगर विटामिन बी ट्वेल्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आते हैं स्टूडेंट्स यहां से, विटामिन बी ट्वेल्व की जो एब्जॉर्प्शन होते हैं, इसको हम बोलते हैं अनदर नेम इज एक्स, मैंने कल भी आपके साथ लाइव में डिस्कस किया था, बच्चे आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, और इसकी एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है आपके बच्चे, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, उनका नाम क्या है, पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक, वहां से वो क्या रिलीज करते हैं आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है आपके, किसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर की, जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी ट्वेल्व, कहां पे जाके करवाता है आपका बच्चे, टर्मिनल इलियम में जाके करवाता है, टर्मिनल इलियम में जाके एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन बी ट्वेल्व की। अब यहां पे क्वेश्चन पॉइंट ये आता है कि जो विटामिन बी ट्वेल्व होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा एनीमिया कहलाएगा आपका, परनीशियस एनीमिया। और परनीशियस एनीमिया जो होता है आपका एक टाइप का एनीमिया है जहां पे आपका रेड बीफी टंग देखने को मिलती है, मेन क्लासिकल सिम्टम रेड बीफी टंग। नॉर्मल आपको देखा होगा कि टंग जो है यूजली पेलर मिलती है, पीली होती है, ठीक है, लेकिन परनीशियस एनीमिया में कैसी होती है, रेड बीफी, रेड कलर की होगी बिल्कुल, ठीक है। और यहां पे जो है स्टूडेंट्स, विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं शिलिंग टेस्ट, शीलिंग टेस्ट बोलते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉर्प्शन के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं शीलिंग टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जो विटामिन बी ट्वेल्व है बच्चे, एक ऐसी विटामिन है जो हमारी ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करती है। क्वेश्चन पॉइंट आता है ब्रेन की ग्रोथ के लिए कौन सी विटामिन, विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है। और विटामिन बी ट्वेल्व एक ऐसी विटामिन है स्टूडेंट्स जो आपके सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस को ही मिल पाती है, नॉन वेजिटेरियंस को ही मिल पाती है, तो आपका मीट और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मेनली प्रेजेंट होती है आपकी विटामिन बी ट्वेल्व। जो वेगन्स होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, उनको जो है ये मोस्टली डेफिशिएंसी होती है जो विटामिन बी ट्वेल्व की, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, ठीक है। और विटामिन ये जो बी ट्वेल्व होता है स्पेशल, अब यहाँ पे कुछ होल ग्रेन्स भी था, होल ग्रेन्स में बीच आपका बी कॉम्प्लेक्स होती है और मेनली उसमें भी विटामिन जो बी वन होती है जिसका नाम है थायमिन, थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी, ठीक है। तो होल ग्रेन में यूजली वो प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन लिफी वेजिटेबल में आपको मिल जाते हैं आपके आयरन मिल जाता है, फॉलिक एसिड मिल जाते हैं, देन आपको जो है साथ के साथ जो आपकी नियासिन आपका विटामिन होती है वो मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है देखो नियासिन लिखा है यहाँ पे, फोलेट्स हो गए, कैरेटोनाइड्स होते हैं, ये ग्रीन लिफी वेजिटेबल से मिल जाता है। होल ग्रेन जो होते हैं आपके गुड सोर्स ऑफ थायमिन होते हैं। एंड एक ऑप्शन है मुझे आपका ब्रोकली एंड ब्रुसेल्स स्प्रॉट, ब्रोकली तो आपने देखी होगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। उसके अलावा जो है ब्रुसेल्स स्प्रॉट होते हैं आपके, स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लिकेटेड सा बर्ड है, बट कैबेज जो होती है ना आपके पत्ता गोभी, उसी को ही हम बोलते हैं ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ठीक है। विटामिन सी इनमें ज्यादातर होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे ब्रुसेल्स एंड जो आपका ये ब्रोकली होता है, विटामिन सी इनमें प्रेजेंट होती है मोस्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ब्रोकली हो गया और कैबेज, कैबेज में आपका बच्चे फोर्थ फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे सबसे ज्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहां पे जो है आपका कौन सा रहना था राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हम आपके साथ नेक्स्ट लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ द टाइम लैकिंग की वजह से, तो नेक्स्ट आपके जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं वो आपके साथ आज शाम मॉर्निंग लाइव नहीं होगा स्टूडेंट्स, मंडे मॉर्निंग में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके प्रोसीडिंग जो क्वेश्चन रहेंगे, सो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रॉम टीम के एन ए।